हाय दोस्तों, आज आपको लेके आ गए अल काकोरी मुगलाई फूड्स पे। जो पहले इनका नाम अल कौसर रेस्टोरेंट हुआ करता था, अब काकोरी फूड्स क्यों है आपको बताएंगे। ये देखिए, ये है इनका मेनू कार्ड, इसके पीछे पूरे काकोरी कबाब की हिस्ट्री लिखी हुई है। और काकोरी कबाब को ही ये कबाबों का शहंशाह भी कह रहे हैं, और जो इनको कुछ अवार्ड मिले हैं बता रहे। असल में काकोरी कबाब इनका सिग्नेचर डिश है, इसलिए इन्होंने अपने होटल का नाम ही अल काकोरी मुगलाई फूड्स कर दिया है, क्योंकि इन्होंने काकोरी कबाब की इतनी तारीफ की और कहा कि हमारा बहुत बेहतरीन होता है। तो हमने कहा चलो इसको पहले ट्राई करते हैं, क्या ये वर्थ है इतने हाइप के और प्राइस के। चलिए दोनों चीज आपको बताएंगे। ये देखिए, पहले आ गया हमारे काकोरी कबाब, इसका प्राइस है 240 रुपीज दो पीसेस के लिए। भाई साहब, ये प्राइस के हिसाब से तो बहुत ही कमजोर लग रहा था, टेस्ट के हिसाब से मजबूत है कि वो देखते हैं। ओह, काफी सॉफ्ट है, एकदम ऐसा लग रहा है मक्खन है। टेस्ट कैसा है देखते हैं। ओह भाई, टेस्ट तो अच्छा है और मसाले भी बहुत बेहतरीन है, सॉफ्ट एकदम मक्खन की तरह की मुंह में गल रहा है। उसके बाद हमने मंगाया था इनका चिकन अफगानी। भाई चिकन अफगानी देख के लग रहा है कि अफगानी बनाने के चक्कर में इन्होंने से ऊपर से क्रीम डाल दी है। उमरान इसे ट्राई करेगा और आपको इसका रिव्यू दिखाएगा, देखिए कैसा है। चिकन भी काफी कमजोर है इनका, प्राइस के हिसाब से तो काफी चिकन कमजोर लग रहा है। इसके फेस के एक्सप्रेशन से लग रहा है कि टेस्ट सही नहीं है। तो एक आइटम इनकी सही थी, एक आइटम थोड़ी सी कमजोर रही। ये है इनका मटन बर्रा, मटन बर्रा भी हमने मंगा लिया है, प्राइस इसके भी थोड़े तेज थे, दिखने में काफी अमेजिंग लग रहा है, खा के देखते हैं कैसा है। मटन तो काफी सॉफ्ट है, चलिए टेस्ट कैसा है वो बताते हैं भाई आपको। टेस्ट काफी अच्छा है, मसाले भी अच्छे है और मटन काफी सॉफ्ट है, मुंह में मेल्ट हो रहा है। इसके बाद हमने ओहो ये देखिए, मटन बिरयानी हंडी में, ये देख के कितना टेम्पटिंग लग रहा है। यही टेम्प्ट होके हमने ही मंगा दिया। और मंगाने के हमने तीन चीज सीखी, एक तो कभी किसी हंडी में बिरयानी को मत मंगवाइए। उसका मेन रीजन है कि बिरयानी का चावल जो है वो हंडी के साइड में चिपक जाता है और वो निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। दूसरी बात कि इसको सर्व करना डिफिकल्ट होता है, कि हंडी का मुंह छोटा होता है तो कोई भी इसमें चम्मच डालना या निकालना बहुत मुश्किल होता है। थर्ड, हंडी में होने की वजह से इसका रेट काफी ज्यादा होता है, चाहे वो टेस्टी हो या ना हो। इनकी बिरयानी की बात करें तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थी, बिल्कुल बेकार थी। इससे अच्छी बिरयानी आपको रोड साइड में दिल्ली में हर जगह मिल जाती है, तो इनकी बिरयानी आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर बात करूं इनके खाने की, तो इनका कबाब बहुत बेहतरीन था, इनका मटन बर्रा अच्छा था, और आप इनका चिकन अफगानी की बात करें तो बिल्कुल ही अवॉइड कर सकते हैं, खाली क्रीम क्रीम डाला हुआ था। बिरयानी भी इनकी बेकार थी, उसको भी मत मंगाइएगा कभी। तो ओवरऑल खाने बताए, आधा सही था आधा नहीं था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।